हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माल्टा में कि हमारा जो मंथली लिविंग एक्सपेंस है वो कितना हो जाता है, तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम माल्टा आने का प्लान कर रहे हैं और सबसे ज्यादा हमारा यही डाउट होता है कि माल्टा आने के बाद जो हमारा जो एक्सपेंस है, जो मंथली हमारा जो खर्चा रहने वाला है वो कितना रहेगा, और सैलरी के बाद हम कितना जो यूरोस हैं, जितनी भी हमारी सैलरी है, पैसे हैं, वो हम बचा पाएंगे अपना खर्चा निकालने के बाद में। तो इसके बारे में हम आज बात करते हैं। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो खर्चा होता है, सबसे बड़ा खर्चा होता है, वो रेंट का होता है। तो अगर हम रेंट की बात करें, अब चल रहा है 2023, तो यहाँ पे अब जो रेंट है वो पहले से ऑब्वियसली इंक्रीज हुए हैं। तो रेंट की अगर हम बात करें, अगर आप सिंगल रूम लेते हैं, है ना, आप रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव जाने वाला है। वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 300 यूरो से लेके 400 यूरो तक जाने वाला है आपका मिनिमम। इतना तो आपका जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर देखिए, सिंगल रूम ऐसे तो नहीं मिलते कि आपको एक रूम चाहिए एक अपार्टमेंट में, आपको पूरा अपार्टमेंट लेना होता है और उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, है ना। अगर आप सिंगल एक अपार्टमेंट लेते हैं, वन बीएचके अपार्टमेंट लेते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली होता है, अराउंड 500 यूरो से लेके 700 यूरो तक जा सकता है। वो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है तो उसका तो वो खर्चा बहुत होता है, तो उसमें आप मैक्सिमम दो जने रह सकते हो, है ना। स्टूडियो अपार्टमेंट आप, ऐसा नहीं है कि तीन जने रह रहे हो, चार जने रह रहे हो, ऐसा नहीं है, आप दो लोग शेयर कर सकते हो स्टूडियो अपार्टमेंट। तो स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें तो 500 से लेके 700, 800, 1000 यूरो पर डिपेंड करता है कि आप कैसा स्टूडियो अपार्टमेंट देख रहे हैं, कौन सी लोकेशन पे देख रहे हैं, तो ये रहता है। इसके अलावा अगर हम रेंट की बात करते हैं, देखिए अगर आप 2 BHK लेते हैं, यहाँ पे माल्टा में लेते हैं, कहीं पे भी किसी भी एरिया में आप लेते हैं, तो एवरेज जो रेंट है इस समय माल्टा में 2 BHK अपार्टमेंट का, वो है 800 यूरो से लेके 1000 यूरो, 1100-1200, डिपेंड करेगा कि आपका फ्लैट कैसा है, लग्जूरियस है, एवरेज है, वो डिपेंड करता है इन सारी चीजों पर। अगर हम मिनिमम बात करें तो 2 BHK अपार्टमेंट की जो आपको रेंट आएगा, जो आपको कॉस्ट पड़ेगी, वो पड़ेगी मिनिमम 800 यूरो, 800-900 या अप्रोक्सीमेटली इतने में मिल जाता है हमें। अब रहता क्या है, 2 BHK में 2 रूम्स होते हैं, ड्राइंग रूम होता है, बाथरूम होते हैं, दो होते हैं, किसी में एक भी होता है, किसी में दो होते हैं। तो इसका आप अगर 2 BHK की बात करें तो आप 4 लोग शेयर कर सकते हैं। अगर आप 4 जने भी शेयर करते हैं 2 BHK अपार्टमेंट, तो 800 के रेंट से आपको 200 यूरो हर बंदे को रेंट आएगा, वो भी शेयरिंग में, क्योंकि 2 रूम्स होंगे। अगर आप सिंगल रूम लेंगे तो आपको 400 यूरो रेंट हो जाएगा 2 BHK का भी। अगर आप वही शेयर करेंगे अपार्टमेंट, रूम शेयर करेंगे, तो आपको 200 यूरो पर हेड आपको रेंट पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो मंथली, इसके अलावा जो हमारे रेंट की अलावा जो हम बात करें, कई बिल्डिंग्स में होती हैं कि मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते हैं, किसी के 150 यूरो, किसी के 200 यूरो, वो ईयरली चार्जेस होते हैं, वो साल के देने होते हैं हमने। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वाटर का बिल हो गया, वो अलग होता है। एवरेज अगर मैं बात करूँ तो एवरेज जो मंथली जो बिल होता है वाटर का और इलेक्ट्रिसिटी का, वो 25 से 30 यूरो के लमसम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आप ये लगा लो कि अगर आप शेयरिंग में रूम ले रहे हो तो एक तो आपका 200 यूरो रेंट हो गया, प्लस 25 से 30 यूरो आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल हो गया, तो 230-240 यूरो तो आपका ये मंथली रहने रहने का एक्सपेंस हो जाता है अगर आप शेयरिंग में रूम लेते हो। सिंगल लोगे तो डबल हो जाएगा, आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या खर्चे हैं, सबसे रेंट के अलावा सबसे बड़ा खर्चा है ग्रॉसरी का। ग्रॉसरी इतनी महंगी नहीं है अगर मैं बात करूं, अगर आप घर पे खाना बनाना प्रेफर करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी इंडियन शॉप्स हैं, पाकिस्तानी शॉप्स हैं, आपको हर सामान यहाँ मिल जाएगा जो भी हम इंडिया में यूज़ करते हैं या पाकिस्तान में करते हैं या अलग एशियन कंट्रीज में हम करते हैं, तो हमें यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ईजिली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर आप ग्रोसरी की हम बात करें, एक एवरेज एक बंदे का 60 से 70 यूरो ग्रोसरी में लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी डाइट क्या, आप कितना खाते हैं, वो आपके अपने पे है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 50 यूरो से लेके 60 यूरो 70 यूरो इतना आपका ग्रोसरी का खर्चा आने वाला है मंथली। इसके अलावा और क्या खर्चा होता है माल्टा में? एक आपको सिम लेना पड़ेगा, इंटरनेट आपको चाहिए होगा। तो मिनिमम जो आपका जो इंटरनेट का जो प्लान है, जो पोस्ट पेड प्लान में सजेस्ट करूंगा अगर कोई भी माल्टा आ रहा है, तो आप एपिक का ले लें। बेसिक प्लान 20 यूरो से शुरू हो जाता है, उसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाता है और पूरे माल्टा में आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हो। बाकी आपने इंडिया कॉल करनी है, पाकिस्तान कॉल करनी है, बांग्लादेश या कहीं पे भी करनी है, नेपाल में कॉल करनी है, तो व्हाट्सएप कॉल से आप कॉल कर सकते हो। तो इंटरनेट आपको इसमें अनलिमिटेड मिल जाता है। यही बेनिफिट है कि आपका जो नेट है वो अनलिमिटेड है, तो आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात लोकल कॉल की, तो लोकल कॉल के लिए बेस्ट है कि आप बेसिक प्लान ही ले, 20 यूरो उसका रेंट आता है। तो आपका इंटरनेट का जो खर्चा जाने वाला है मोबाइल मतलब सिम का, वो 20 यूरो मंथली होने वाला है। ग्रॉसरी हो गई, मंथली हो गया अपना, फोन का बिल हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दूध की बात करें, तो वहां यहाँ पे 94 सेंट्स 96 सेंट्स 1 यूरो इतने का 1 लीटर दूध का डिब्बा मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, एक दिन में कितना कंज्यूम करते हैं दूध, तो उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए। अगर आप 1 लीटर आप यूज एक दिन में करते हैं, तो मंथली 30 हो गए, तो 30 यूरो का तो दूध ही हो गया आपका, है ना। तो ये छोटे छोटे खर्चे हैं। इसके अलावा और हैं, हाउस का सबसे बड़ा खर्चा है अप्रोक्सीमेटली 200 यूरो अगर आप शेयरिंग पे रूम लेते हैं। 150 का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि लोकेशन पे। अगर आप कहीं आउटसाइड लेते हैं तो 150 यूरो भी हो सकता है, बट उसके चांसेस आज के टाइम में काफी कम है। मिनिमम अगर हम बात करें 170 180 या 200 यूरो एवरेज अगर हम लगाए, तो 200 यूरो आपका रेंट होने वाला है। इसके अलावा ग्रोसरी के 50 से 70 यूरो, वो डिपेंड करेगा कि आप क्या खाते हैं, है ना, चिकन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, उस पे डिपेंड करेगा। एवरेज अगर बात करें 50 से 70 यूरो। फोन का बिल आपका 20 से 25 यूरो के अप्रोक्सीमेटली आने वाला है। इसके अलावा घूमने फिरने जाएंगे तो 50-100 यूरो मंथली वो भी लग जाएगा। तो मैंने ये आपको एक ब्रीफ दे दिया है कि क्या क्या खर्चा हो सकता है माल्टा में। तो आप अपनी सैलरी के हिसाब से एवरेज आप निकाल सकते हैं, और मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि जो जो मैंने खर्चे आपको गिनवाए हैं अप्रोक्सीमेटली कितने बनते हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बात की है 2 BHK अपार्टमेंट की, वैसे ही 3 BHK अपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे। 3 BHK का जो एवरेज रेंट है वो 1100 हो गया, 1200 हो गया, 1300 हो गया, ऐसे शुरू हो जाता है। कई बार होता है कि 1000 यूरो में भी 3 BHK मिल जाता है हमें, वो डिपेंड करता है हमारे लक पे, लोकेशन पे। अदरवाइज 1000 यूरो से लेके शुरू हो जाता है 1300 यूरो तक। और 3 BHK में आप 5 मेंबर या 6 मैक्सिमम 6 लोग रह सकते हैं। वो आपके लैंडलॉर्ड से आपकी जैसे भी बातचीत है उस पर डिपेंड करता है। तो ये मैंने एक आपको एवरेज बता दिया है कि माल्टा में इस समय क्या रेंट चल रहा है और जो हमारा जो मंथली एक्सपेंस होने वाला है उसके बारे में। तो दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूंगा हमारा जो खर्चा होने वाला है ट्रैवलिंग पे, हमारा जरूर खर्चा होने वाला है यहाँ पे। अगर आप देखिए बस पे आप ट्रैवल करते हैं, तो मैंने बस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ ऑलरेडी कि कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं, कितनी टिकट होती है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बस में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो एक कार्ड बन जाता है तालिंजा कार्ड। उसकी फिलहाल जो कॉस्टिंग आ रही है वो 17 यूरो, लगभग 18 यूरो आपको पे करने होते हैं। और आजकल जो ट्रैवल है बस में वो फ्री है, आपको कार्ड बनवा लिया आपने उसके बाद आप कहीं भी जाइए ट्रैवल फ्री है, कार्ड आपको पंच करना होता है। इसके अलावा अगर वो चार्ज अभी तक तो फिलहाल फ्री है, तो मैं अभी चार्जेस की बात नहीं करूंगा। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आपको 2 यूरो की टिकट लगती है, जो कि 2 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं, आपका काम कितनी दूर है। और अगर आप टैक्सी लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव होने वाली है। अगर 4 से 5 किलोमीटर तक का भी आप ट्रैवल करते हैं तो 7 से 8 यूरो का वो आपको खर्चा आएगा। आशा करूंगा आपको एक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक अगले ब्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।